उनके दुरुद भेजे मोहम्मद। मौला हुसैन की मदेश्वर कमे यार अलग हो शबीर का मेयार अलग होता है। लफ्ज जिंदा तो इजहार अलग हो यूं तो हर आशिक मौला की मोहब्बत है अलग यूं तो हर आशिक अलग हो है मदहशबी। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद वाल। बीबी जैनब की शान में मनकबत पेश करता हूँ जो कि मेरे एल्बम में भी आई है, 110 प्रोडक्शन से रिलीज है जी। अच्छा, मौला अली की शान में एक कथा पेश करता हूँ, उसके बाद बीबी जैनब का मनकबत पेश करूँगा। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद। बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। अली की बेटी हया की इमाम है ज़ैनब। अली की बेटी हया की इमाम है
जैना खुदा के लहज में महरे कलाम है जैना अली की बेटी हया की زمانہ کل بھی تھا محتاج تیرے ہی در کا زمانہ آج بھی تیرا غلام ہے زینب علی کی بیٹی حیا کی اور یہ شعر دیکھیے گا جو باد اثر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا جو باد اثر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا علی کی تیغ کا ہی جو باد اثر ہوئی بے نیام تو کھلا جو باد اثر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا علی کی تیغ کا ہی تجھے پر تمام ہے زینب علی کی بیٹی کتاب عشق کی ہر ابتدا تجھے کتاب عشق تجھے پر تمام ہے زینب علی کی بیٹی حیا کی مکہ دیکھیے گا نہ کیوں سلام
झुका के नूर अली न क्यों सलाम करे सर झुका के नूर अली के जब इमाम का सलाम है एक इंट्रोडक्शन करने मैंने बैन किया होने से दिया एक मैंने रिजवान जहरी पार्टी के साहब फयाज जनाब रिजवान जहरी साहब से मुतलिस हूँ कि वो हमें बार बार वैसे इस वक्त जो मोमिन जिस तरह बैठे हैं मुझे इस तरफ को बैठना चाहिए अगर आप लोग सामने आ जाएंगे तो बहुत बहुत नवाजिश हो जाएगी आइए प्लीज सलामत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आप इधर आ जाए मम्मी ने कराम जैसा असनैन भाई ने फरमाया कि एक तरवीज अज़ा विला का इदारा हमने शुरू किया वन टाइम प्रोडक्शन की जानिब से और इसमें जो सबसे पहला हमने कदम उठाया है वो ये है कि इस वन टाइम प्रोडक्शन को यकीनन जिस इमाम के नाम से इसको शुरू किया गया तो हमने सबसे पहले बात इसको शुरू करते ही की थी कि वन टाइम प्रोडक्शन को किसी किस्म का कोई डोनेशन दरकार नहीं है और ना ही कभी होगा इंशाल्लाह ये हम नौजवानों की अपनी काविश है और हम सब मिलके इसको इंशाल्लाह उस मकाम पर लेके जाएंगे कि जहाँ पर इसको किसी किस्म की कोई डोनेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ये वन टाइम प्रोडक्शन आपकी दुआओं से आपके साथ से डोनेशन देगी लोगों को लेगी नहीं इंशाल्लाह जैसे कि हसनैन भाई ने बताया कि एक मुकाबला पिछले दिनों हुआ था तो उसमें मनकौत खान ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छा मुकाबला रहा तो उसमें हमने अनाउंस किया था कि जो भी मनकौत खान जो भी फातह होगा उसको वन टाइम प्रोडक्शन इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड उसके एल्बम अगर वो करता है तो उसको रिलीज़ करेगी तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि तरवीज अज़ा विला वन टाइम प्रोडक्शन का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो भी नुआ खान एल्बम कर रहे हैं नुहों का या मनकौत का उसको दुनिया भर में पहुँचाया जाए अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि जो कोई नुआ खान अपना एल्बम दुनिया से मतलब इस पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में पहुंचा सके तो एक काविश हम सब नुआ खान ने मिलकर शुरू की है जिसमें जो भी हमारे साथ नुआ खान हैं वो सब शामिल हैं और दिन रात इसकी खिदमत कर रहे हैं इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप दुआगो होइएगा आज की रात के सबसे मिलकर कि मौला हसन के ज़हूर की रात है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम हमें कामयाब करे हम सब नुआ खानों को कामयाब करें कि हम इसको अच्छे से अच्छा बना सकें पर मैं आपकी तरफ मुतवज्जो सलामत मौला हसन की शान में दो शेर पेश करूं बड़ी खुशी की बात है शब है खुशी की बात है खुशी की रात है बड़ी खुशी की बात है अभी जो दिल सुना गया कलम से तेज को कलम कलम से तेज को कलम करेगा जो
पेश करूं आपकी समाधि को देखते हुए मौला हुसैन मौला हुसैन इस रात के सब में तो एक हमने दे सुबह हम हुसैन के आप नाम में सलाम बहुत शुक्रिया हमारा बादशाह भी तो जैसा समाज सुनाएगा जब से घर में सजे मेरे अलम आना जाना मेरे हुसैन का है आना जाना मेरे हुसैन का है जिस जगह बनाए जाते हैं मेरे हुसैन का है कारखाना मेरे
हुसैन तो है सिर्फ आशूर तक नहीं महदूद हर ज़माना सलामत है। दुआ करूँ इस रात के सफ़र में, इस जिक्र मौला हुसैन के सफ़र में, मौला हुसैन आप तमाम मोमिनों को अपनी पनाह में रखें। आपको कोई गम नहीं, सिवाय गम हुसैन के। जिंदा के शेर पेश करो आसिफ भाई, समाप्त में आएगा सुनैन भाई। बहुत शुक्रिया, सलामत है। कारखाना मेरे हुसैन का है, बोली जहरा ये अश्क दो मुझको, बोली जहरा ये अश्क दो मुझको, ये खजान हुसैन का है। बोली जहरा ये अश्क दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना हुसैन कहे, बराए खुशूदी मेरी पाक बुलंदर तलवार।
हिम्मत नहीं पाऊंगा, लेकिन हिम्मत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया। जहरा जिन्हें देती है दुआ, जहरा जिन्हें देती है दुआ, तुम हो के हम हैं। जहरा जिन्हें देती है दुआ, तुम हो के हम हैं। हासिल है जिन्हें रब की रजा, हासिल है जिन्हें जंजीर से कहते हैं, जंजीर से, जंजीर से, जंजीर से, जंजीर से कहते हैं इलाजे हमें दुनिया, सपनों को जो कहते हैं दवा, सपनों को जो कहते हैं दवा, तुम होते हम आप इसे पेश करो मुरीद मुसाफ लिखी मन पर से एक आशिक आजाए गमे सबीर के बदले, एक आशिक आजाए गमे सबीर के बदले, जन्नत के खरीदार भला, जन्नत के खरीदार भला, तुम हो के हम नहीं है।
मोहम्मद चंद शार मौला हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश खिदमत है। मतलब है जन्नत के सरदार की मिधत सबके बस की बात नहीं, जन्नत के सरदार की मिधत सबके बस की बात नहीं, और घर बैठे ही लेना जन्नत सबके बस की बात नहीं, और जिनको दे तौफीक खुदा बस वही जश्न में आते हैं। जिनको दे तौफीक खुदा बस वही जश्न में आते हैं, वरना मनाना जश्ने विलादत सबके बस की बात नहीं, वरना मनाना जश्ने विलादत सबके बस की बात नहीं। और नाना नबी हैं, बाप अली हैं, माँ खातून जन्नत हैं। नाना नबी हैं, बाप अली हैं, माँ खातून जन्नत हैं। और जैसी है हसनैन की निस्बत सबके बस की बात नहीं, जैसी है हसनैन की निस्बत सबके बस की बात नहीं। और झूला झूला के शब्बर का जिब्रील ये फख्र से कहते थे, झूला झूला के शब्बर का जिब्रील ये फख्र से कहते थे, मुझको जो हासिल है सआदत सबके बस की बात नहीं, मुझको जो हासिल है सआदत सबके बस की बात नहीं। अपने कलम को तेग बनाकर वार किया है दुश्मन पर, अपने कलम को तेग बनाकर वार किया है दुश्मन पर, लेना कलम की जद पे हुकूमत सबके बस की बात नहीं, लेना कलम की जद पे हुकूमत सबके बस की बात नहीं। और अबतर कहने वाले देखें आए नबी के घर में हसन, कहने वाले देखें आए नबी के घर में हसन, इन्ना आते ना से निस्बत सबके बस की बात नहीं, इन्ना आते ना से निस्बत सबके बस की बात नहीं। अबतर कहने वाले देखें आए नबी के घर में हसन, इन्ना आते ना से निस्बत सबके बस की बात नहीं। और फातिमा जहरा के आंगन में अमन का सूरज उतरा है, फातिमा जहरा के आंगन में अमन का सूरज उतरा है, लेना इससे नूर हिदायत सबके बस की बात नहीं, लेना इससे नूर हिदायत सबके बस की बात नहीं। और सुले हसन के कल्ब की धड़कन कर्बोबला कहलाती है, सुले हसन के कल्ब की धड़कन कर्बोबला कहलाती है, बातिल से इनकारे बैयत सबके बस की बात नहीं। और सुले हसन की जो भी शिक थी शोला भी थी शबनम भी, सुले हसन की जो भी शिक थी शोला भी थी शबनम भी, आतिश गुल की पाक सियासत सबके बस की बात नहीं। और हातम ताई मिल जाएंगे लाख जमाने में लेकिन, हातम ताई मिल जाएंगे लाख जमाने में लेकिन, नस्ले हैदर जैसी सखावत सबके बस की बात नहीं। और जम के लड़ेगा कौन सहाबी जंगे खैबर में आकर, जम के लड़ेगा कौन सहाबी जंगे खैबर में आकर, बोलेगी हैदर की शुजात सबके बस की बात नहीं, बोलेगी हैदर की शुजात सबके बस की बात नहीं। आखिरी शेर है, माले गनीमत जंग से लेकर घर में आना आसा है, माने गनीमत जंग से लेकर घर में आना आसा है, बांट के आना माले गनीमत सबके बस की बात नहीं, बांट के आना माले गनीमत सबके बस की बात नहीं। माले गनीमत जंग से लेकर घर में आना आसा है, बांट के आना माले गनीमत सबके बस की बात नहीं। और मदे हसन में शेर सुनाकर
خود کما کر اے قیصر بن جانا محفل کی زینت سب کے بس کی بات نہیں سب کے بس کی بات آئیے بات آپ کو ان شاء اللہ. تازہ اشعار حضرت عباس کی شان میں چند اشعار اس کے والے امام حسن کے منقدہ سے کہ حضرت شبیر میں سب مصطفیٰ کی شان ہے, حضرت شبیر میں سب مصطفیٰ کی شان ہے, اور علی کے شیر میں شیر خدا کی شان ہے. حضرت شبیر میں سب مصطفیٰ کی شان ہے, اور علی کے شیر میں شیر خدا کی شان ہے. حضور وہ وفا عمران کی تھی, یہ وفا عباس کی, وہ وفا عمران کی تھی, یہ وفا عباس کی, ابتدا کی شان وہ, یہ انتہا کی شان ہے. وہ وفا عمران کی تھی, یہ وفا عباس کی, ابتدا کی شان وہ, یہ انتہا کی شان ہے. گو کہ ہیں دستے بریدہ پھر بھی ہیں عقدہ کشا, گو کہ ہیں دستے بریدہ پھر بھی ہیں عقدہ کشا, خادم شبیر میں مشکل کشا کی شان ہے, خادم شبیر میں مشکل کشا کی شان ہے. روشنائی برسر کرتاس روشن ہو گئی, روشنائی برسر کرتاس روشن ہو گئی, یہ تیری ماہ بنی ہاشم ثنا کی شان ہے, روشنائی برسر کرتاس روشن ہو گئی, یہ تیری ماہ بنی ہاشم ثنا کی شان ہے. ہاتھ اپنا رکھ کے پنجے پر علم کے دیکھ لو, ہاتھ اپنا رکھ کے پنجے پر علم کے دیکھ لو, بیعت سبت رسول کبریا کی شان ہے, ہاتھ اپنا رکھ کے پنجے پر علم کے دیکھ لو, بیعت سبت رسول کبریا کی شان ہے. جو بھی میرے پاس ہے نعت و سلام و مرثیہ, جو بھی میرے پاس ہے نعت و سلام و مرثیہ, آپ کے دستے کرم کی اور عطا کی شان ہے, جو بھی میرے پاس ہے نعت و سلام و مرثیہ, آپ کے دستے کرم کی اور عطا کی شان ہے. حضور کربلا میں جو لڑی غازی نے اپنے نفس سے, کربلا میں جو لڑی غازی نے اپنے نفس سے, کیا بتائے گا کوئی کیا اس وغا کی شان ہے, کربلا میں جو لڑی غازی نے اپنے نفس سے, کربلا میں جو لڑی غازی نے اپنے نفس سے, کربلا میں جو لڑی غازی نے اپنے نفس سے, کیا بتائے گا کوئی کیا اس وغا کی شان ہے, کیا بتائے گا کوئی کیا اس وغا کی شان ہے. حضور گر مرض ہے لا دوا جا روضہ عباس پر, مرض ہے لا دوا, گر مرض ہے لا دوا جا روضہ عباس پر, خود مرض بولے گا کیا دار الشفا کی شان ہے, گر مرض ہے
پہلا دوا جا روضہِ عباس پر خود مرض بولے گا کیا دار الشفا کی شان ہے حیدرِ کرار سے پوچھو وہی بتلائیں گے حیدرِ کرار سے پوچھو وہی بتلائیں گے کیا جہاں میں خادمِ شاہِ خدا کی شان ہے حیدرِ کرار سے پوچھو وہی بتلائیں گے کیا جہاں میں خادمِ شاہِ خدا کی شان ہے حضور یہ محمد سے علی سے حمزہ و جعفر سے پوچھ یہ محمد سے علی سے جعفر و حمزہ